नमस्कार साथियों, आज सभी के लिए उपयोगी एक विषय को उठाते हैं जो कि 8वीं 9वीं के बच्चों के लिए और भी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी उपयोगी हो सकता है, और वो है कि अर्थक्वेक या कि भूकंप के समय क्या करें क्या न करें। अब देखें, यदि आप भूकंप आया और उस समय आप घर पर हैं तो आप कोशिश करें कि कोई एक टेबल के नीचे शेल्टर ले लें, है ना, और जब तक वो शॉक्स आ रहे हैं वहीं पर आप रहें, उसके बाहर ना निकलें। और ये भी देखें कि कोई बड़ी ऊंची और भारी वस्तु के आप किनारे तो नहीं खड़े हुए हैं, जो अगर गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे। और यदि आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो उठ के मत बैठिए, लेटे रहिए और अपने सर को अपने तकिए से बचा सकते हैं ताकि सर में चोट न लगने पाए। इसी तरह से यदि आप बाहर हैं, आउटडोर हैं, तो आप एक ऐसी जगह पर पहुंचने के प्रयास करिए जहां बिल्डिंग से दूर, है ना, पेड़ वगैरह ना हो, ऊपर बिजली के तार वगैरह ना जाते हों, ऐसी जगह पर आप जाने की कोशिश करिए। और यदि आप किसी कार या बस में हैं तो भाग कर बाहर मत निकलिए, ड्राइवर को एक सुरक्षित जगह पर पहुँचने के लिए कहिए, और जब तक कि वो जो झटके हैं वो बंद नहीं हो जाते आप अंदर ही रहिए। साथ ही साथ एक और ध्यान में रखने लायक बात यह है कि यदि आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर बहुत ही क्वालिफाइड और स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर्स होते हैं या कि आर्किटेक्ट जो होते हैं उनकी सलाह लीजिए कि किस तरह से भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। और अगर आपका बहुत ही कुछ ख़तरनाक जगह जो होती है, हाई रिस्क जोन जिसे बोलते हैं, यदि आप उसमें हैं पहाड़ी क्षेत्र आदि में, तो बेहतर ये होगा कि अपने घर को पक्का सीमेंटेड ना बनवा के बेहतर ये हो कि हल्की लकड़ी या मड आदि की सहायता से बनाया जाए ताकि अगर वो बाई दफे गिरता भी है तो ज़्यादा नुकसान ना हो और कोई हैवी चोट आदि भी ना लगे। कोशिश करिए कि छत जितनी हल्की हो सके उतना अच्छा है। इसी के साथ ही साथ आप घर में जो कपबोर्ड या जो आप तमाम अलमारियां वगैरह जो आप लगाते हैं उनको फिक्स करा लें दीवार पर तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो आसानी से थोड़े से झटके में भी गिरने ना पाए। इसी के संग आप जो कई बार दीवारों पे बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक वगैरह भी लगाते हैं, उनको भी ऐसा देखें कि वो उनके गिरने पर ज़्यादा किसी लोगों के ऊपर ना गिरे, चोट ना लगे, फिक्स हों दीवार में तो ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आपके घर में ये बिल्डिंग, यदि जैसे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आजकल बहुत लोग रहते हैं, तो वहाँ पे फायर फाइटर्स की यदि अग्निशमन यदि कुछ आप व्यवस्थाएं कर सकें, कुछ वो जो मशीन वगैरह आती हैं उनको आप रख सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ इस तरह के आप अपने उपाय कर सकते हैं, और हर समय अपने सभी लोगों को ये सब बातें बताते रहिए, बिल्डिंग के भी सभी लोगों को बताते रहिए कि किस तरह से ज़रूरत पड़ने पे आप उस बिल्डिंग को खाली कर सकते हैं। इवैक्यूएटिंग एक प्लान हमको बना लेना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि मुसीबत के समय में हमको किस तरह से इस बिल्डिंग के बाहर निकलना होगा। तो कुछ इस तरह की प्रयास हम और आप कर सकते हैं, कई बार ये आवश्यक हो जाता है। और भूकंप कब आएगा, कहाँ आएगा पता नहीं है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हम और आप बातचीत करते रहेंगे। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो की पसंद आ रही है तो इसको आप शेयर करिए, बच्चों को देखने दीजिए, हमारा भी हौसला अफजाई करिए। धन्यवाद, नमस्कार।